शरद पवार को मुद्दे को भटकाने और मीडिया मैनेजमेंट में महारत हासिल है। अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह के आरोप लगाने के बाद पहले तो शरद पवार ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, फिर अनिल देशमुख क्वारंटाइन थे ऐसा बता दिया, और जब उनकी झूठ पकड़ी गई तो बोल दिया कि ठीक है, इसकी जांच जूलियो रिबेरो से करवा लीजिए। अब देखिए, ये नाम हम जैसे आम जनता को तो पता ही नहीं था। तब शुरू हुई इनकी मीडिया मैनेजमेंट। सारी मीडिया जूलियो रिबेरो पर चर्चा करने लगी, और जिनकी सेटिंग शरद पवार से है वो लोग तो 90 साल के जूलियो रिबेरो को बुलाकर लाइव डिबेट भी करने लगे कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं ये जांच, आप तो अभी भी जवान हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। और मिस्टर जूलियो रिबेरो ने कहा कि अंबानी के घर के सामने एक्सप्लोसिव रखना बचकानी हरकत है। वाह जूलियो रिबेरो साहब, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट भी आपके लिए बचकानी हरकत थी क्या? शरद पवार से पुराना याराना लगता है आपका, मतलब देश की एजेंसी सब गई तेल लेने, और जांच कौन करेगा? 90 साल के जवान रिटायर्ड आईपीएस जूलियो रिबेरो। वाह शरद पवार जी, दिल्ली में यही मीटिंग कर रहे थे नेता लोग और मीडिया के साथ? देखिए, अब मुद्दे को भटका दिया गया है, इन जैसे नेताओं का ये पुराना खेल है। पर शरद पवार जी और उद्धव जी, चाहे मौन व्रत धारण करो, चाहे जूलियो रिबेरो का नाम लो या मीडिया मैनेजमेंट करो, ये जो सुशांत के फैंस हैं पूरे वर्ल्ड में, उनसे कैसे बचोगे? अब आपका क्या होगा जनाबे अली, अब आपका क्या होगा?